हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नोएडा ब्लॉगर रजनी। और बार बार मेरे मुंह से निकलता रहता है कि इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी, फिर ध्यान आता है कि मैं नोएडा ब्लॉगर रजनी हो गई हूँ। तो काफी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है इसके लिए। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11। मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों को कुछ काम है उसके लिए हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर, और टाइम लगेगा उसमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। लेकिन ये वाला जो मंथ है ना, मेरे लिए बहुत बिजी होने वाला है, हद से ज्यादा बिजी रहूंगी इस मंथ में। और एक खास बात भी है कि कुछ स्पेशल भी है इस मंथ में, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। तो बताऊंगी, अभी घर जाती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि क्या स्पेशल है और बिजी क्यों रहने वाली हूँ, ये भी बताऊंगी आप। तो आप ये बिजली के टावर देख रहे होंगे, तो आप सोचेंगे मैंने इनका ये वीडियो क्यों शूट किया। ये इसलिए शूट किया क्योंकि ये थोड़े थोड़े तो मुझे रावण जैसे लगते हैं, एकदम जैसे रावण खड़ा हो। और साथ में इनके बीच में जो आप तारे देख रहे हैं जो एक दूसरे को जोड़ रही हैं, इन्हें देख के लगता है कि ये लोग आपस में हाथों में हाथ डाले खड़े हुए हैं। तो सोचा चलो जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ इनके बारे में, वो आपको भी बता दूँ। तो हम लोग आए हैं 2 बजे घर पे, और 2 बजे 11 बजे हम निकले थे, 2 हमें बच गए। और वहां हमें दिल्ली में कुछ काम था, तो आने जाने में 2 घंटे लगे। फिर थोड़ा बहुत मुझे कुछ और सामान भी देखना था तो उसमें भी लगे। तो और पता है वहां बारिश हो रही थी दिल्ली में जब हम गए, क्योंकि हम लोग गए थे ईस्ट दिल्ली में, वहीं पे मुझे काम था जैसे। तो हल्की फुल्की वहां तो बारिश हुई है, लेकिन नोएडा में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, एक बूंद जो टपकी हो। और इतनी गर्मी हो रही है ना, इसकी वजह से जैसे ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम आता है ना, तो गर्मी भी के कारण और थोड़ी सी सांस भी ऐसा लगता है ना जैसे बड़ी मुश्किल से ले रहे हो, तो सांस ही फूलती रहती है इस मौसम में। तो इसीलिए और ज्यादा थकान होती है, हालत खराब हो जाती है। और जो काम था वो तो हो गया, इसीलिए आज हस्बैंड को मैंने सुबह सुबह बोला था, मैंने कहा काम बाद में कर लेना, पहले मेरा ये काम करवा दो, बहुत जरूरी जो था वो काम था। लेकिन एक चीज और है, रास्ते में आते हुए मैंने ये लिया है पेंट, ये वाला पेंट जो है मैं अपनी स्टूल पे करूंगी, जो मैं अपने लिविंग रूम में रखती हूँ, वो थोड़ा सा ब्राउन कलर है उसका, तो ये मरून करूंगी। देखते हैं कैसा लगता है, ऐसा मैं लेकर तो आई हूँ, कैसा कर पाऊंगी ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले मैं रेड सोच रही थी, जैसा ये पीछे मेरे कैबिनेट पर है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगता लकड़ी के ऊपर, तो फिर ये मुझे ठीक लगा मरून कलर। तो इसको करना है अभी, ये वाला काम भी, अब साथ ही साथ लिविंग रूम मेकओवर भी चल रहा है ना, तो इसमें भी अभी टाइम भी देना है। और ऊपर से मैं जब अपने बजट के हिसाब से सोच रही हूँ, तो कुछ अपनी तरफ से भी चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं बात बता रही थी, ये जो मंथ है मेरे लिए बिजी बहुत है। बिजी इसलिए है कि 1-2 दिन के बाद मेरी जो हाउस हेल्पर है वो जाने वाली है छुट्टी पर, और 1 महीने बाद आएगी, उसके बेटे की शादी है, तो इतना काम बढ़ जाएगा मेरे लिए। दूसरा है कि 6 जुलाई जो है मेरी और मेरे हस्बैंड, मतलब हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसलिए अच्छा लगता है, ये स्पेशल सा लगता है दिन। ये वाला टाइम जैसे आता है ना, तो मुझे अपनी शादी वाला टाइम याद आ जाता है, और उससे पहले की जो बातें हमारी थी वो सब मुझे याद आने लग जाती है। और ऐसा सा ही मौसम था जब हमारी शादी हो रही थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, इतनी गर्मी थी ना 6 जुलाई को, उस वक्त बहुत ज्यादा बैठने की भी बिल्कुल फुर्सत, मतलब फुर्सत तो थी ही नहीं, और इतनी गर्मी की कहीं बैठने का भी मन नहीं कर रहा था, और ऊपर से घर में गेस्ट वगैरह रहते हैं तो और ज्यादा हालत खराब थी। और हमारी तो जो रिंग सेरेमनी थी और जो शादी थी वो सेम डे थी, तो और ज्यादा हालत खराब, और ज्यादा थकान हो रही थी, बहुत ज्यादा हाल खराब थे, ऐसा ही मुझे अब लग रहा है, इतनी गर्मी आज भी है। और बस वही सारा टाइम याद कर रही थी मैं। तो आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों को ना अपना लहंगा दिखाऊंगी शादी का कि कैसा था, और जिन लोगों की मेरे साथ या मेरे से 1-2 साल आगे या पीछे शादी हुई होगी ना, मुझे पता है उस वक्त यही वाले नेट के लहंगे चलते थे, तो अभी तो मुझे देखना पड़ेगा। वैसे मैंने अपने बेड में रखा हुआ है, तो शाम को दिखाऊंगी, तब तक ढूंढ के रखूंगी। और भी 1-2 चीजें हैं जिन्हें देख के मैं अपना पुराना वक्त याद कर लेती हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो तविशी आने वाली है, उसी का वेट कर रही हूँ, तो 3:15 तक आ जाएगी, 3:10 हो रहे हैं, तो पहले तो उसे लेने जाती हूँ, फिर बात करूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी ना, वो मुझे मिल गई है। मैं अपनी शादी का कार्ड दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में, जो शादी का कार्ड होता है ना छपता है, वो भी मैंने एक रख रखा है संभाल के, तो याद जब मुझे कुछ करना होता है ना, पुरानी यादें ताजा करने के लिए, तो वो है। और एक ग्रीटिंग कार्ड वो है जो मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले मुझे वैलेंटाइन्स डे पे दिया था, और 2 कार्ड हैं जो मेरा बर्थडे था, मतलब शादी के जस्ट बाद 6 जुलाई को मेरी 2006 में शादी हुई थी जैसे, तो मेरा 5 अगस्त को बर्थडे आता है, तो जस्ट मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ही मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे 2 ग्रीटिंग कार्ड दिए थे, वो भी दिखाऊंगी।
और अपना लहंगा भी जरूर दिखाऊंगी, अभी मैं उसे ढूंढ रही हूँ। ये चीजें तो मिल गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है, पहले मिल नहीं रही थी और पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने ढूंढा, तब जाके ये मिली है। और तविशी तो छुपा छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि ना पहले क्या करती थी, तविशी को, तविशी ने ये देख लिए थे ये वाला एक कार्ड जो है, बताऊंगी कौन से वाला, तो उसमें फिर उसको जबरदस्ती लेके बैठी रहती थी। वो थोड़ा सा वैसा है, उसमें हार्ट है और वो ऐसे हिलता रहता है वो हार्ट, तो उसको देखती रहती थी और फिर पापा से बोलती थी, पापा आपने मम्मा को ये वाला कार्ड दिया और मुझे क्यों नहीं दिया, आप बहुत गंदे हो, मम्मा को कार्ड देते रहते थे और मेरे को कोई कार्ड नहीं देते हो। ऐसे ही शादी की जैसे एल्बम वगैरह होती थी और शादी के वीडियोस वगैरह भी वो जैसे देखा करती थी, तो फिर उनको भी देख के बोलती थी, पापा मम्मा आप कितने गंदे हो ना, दोनों शादी में गए और घूमकर चले आए और मुझे नहीं लेकर गए और दोनों ने खूब इंजॉय किया, ऐसे करती थी। जब भी कभी अगर कभी उसने एल्बम देख ली शादी की तो वह यही बात बोलती थी और फिर रोना शुरू कर देती थी। अब तो बड़ी हो गई है वो, फिर हम लोगों को बहुत हंसी आती थी और वो नानी से भी अपने पूछा करती थी, नानी मम्मा पापा ना शादी में ऐसे ऐसे चले गए थे और मुझे नहीं लेके गए, आप भी मुझे नहीं लेके गए। तो फिर मम्मी उसको समझाती थी अपने अपने तरीके से, लेकिन वो मम्मी की जो बातें होती थी उसे समझ नहीं आती थी, वो फिर अपनी ही बातें सुनाया करती थी। तो अच्छी लगती हैं उसकी, बच्चों की ऐसी फनी बातें भी, बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं। और चलो अभी थोड़ी देर बाद एक बार बस वो लहंगा और ढूंढ लूँ ना, फिर आपको दिखाऊंगी और फिर आप बताना कि कैसी लगी आपको मेरी ये यादें। बाहर आके खड़ी हूँ, थोड़ी देर सो गई थी, पहले मैं सोती नहीं थी, थोड़ी देर लेट जाती थी, लेकिन आजकल मैं प्रॉपर दिन में भी नींद ले लेती हूँ, मुझे थकान से फिर कम महसूस होती है, नहीं तो मुझे अजीब सा लगता रहता है। और बस अभी उठी हूँ और फिर फेस वॉश किया और बाहर आके खड़ी हुई हूँ। घर में तो बहुत गर्मी लग रही है लेकिन बाहर आके आराम मिल रहा है, आसपास बारिश हो रही है, गुड़गांव में ऐसा बोल रहे हैं कि काफ़ी बारिश हुई है लेकिन यहाँ नहीं हो रही है। तो अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चाय बना दो, जैसे ही 6 बजने वाले होते हैं ना इनकी फिर शुरू हो जाता है कि अलार्म, चाय बना दो रश्मि, चाय बना दो, और अभी 6:10 है और बस अभी चाय भी बनानी है। जैसे 6 बजते हैं ये बस यही कहते हैं, रश्मि चाय नहीं बनाओगी। तो वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा था अभी चाय पीने का, लेकिन अब बनानी है तो फिर मैं पी भी लूँगी इनके साथ, नहीं तो मेरा आज जैसे गर्मी है ना तो ऐसा मन कर रहा था कि थोड़ा सा रुक कर बनाऊँ, लेकिन इन्होंने शुरू कर दिया अभी। अरे सो रही हो, जल्दी से उठ जाओ, फिर चाय भी बनानी है, इसीलिए उठी हूँ, बाहर खड़ी हुई हूँ। मैंने चाय बना ली है, तसल्ली से बैठ के यहाँ चाय पीऊँगी। आजकल मैंने शुगर फ्री चाय पीनी शुरू कर दी है, चीनी अब इतने दिनों से पीना बंद कर रखा है ना, 3 से 4 दिन तो हो गए हैं, तो अब चीनी अच्छी भी नहीं लग रही है। ये भी होता है कि हैबिट सी हो जाती है, अगर तुम काफ़ी दिनों तक चीनी को छोड़ देते हो तो फिर चीनी खाना अपने आप ही पसंद नहीं आता है। तो मैंने ऐसा सोचा हुआ है अभी कुछ दिन मतलब चीनी नहीं लूँगी, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने भी बोला था कि तुम्हारे जैसे हिस्ट्री में है, तुम्हारे पापा को है डायबिटीज़ या फिर तुम्हारी दादी को है, तो तुम कभी चीनी वगैरह थोड़ा कम लो, क्योंकि अब एज भी है, आगे हो सकता है कि मतलब तुम लोगों को भी फिर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो फिर ये है कि मैं वैसे चीनी तो नहीं ले रही हूँ, मतलब ये जैसे चाय है ये तो बिना चीनी की पी रही हूँ, शुगर फ्री कभी कभी टैबलेट डाल लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ, कभी ऐसे पी लेती हूँ। और लेकिन फ्रूट्स वगैरह मैं प्रॉपर ले रही हूँ, आम भी ले लेती हूँ दिन में एक बार, ताकि जो शुगर की कमी है वो पूरी होती जाए, नहीं तो ऐसा होता है कि शुगर अगर नॉर्मल है तो फिर अगर बिल्कुल चीनी नहीं लेंगे तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। तो उसी हिसाब से फिर केला और ये सब ले लेती हूँ, आजकल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपना। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ना, ये है मेरी शादी का कार्ड, तो ऐसे येलो कलर का था, बहुत ही सिंपल सा कार्ड है, कोई बहुत ज़्यादा फैशन वाला नहीं, तो ऐसे ही सिंपल सा उस वक्त ऐसे होते थे, इसका कलर ऐसे येलो था और यहाँ पर गणेश जी बने हुए थे और हल्का सा यहाँ ग्लिटर है इसमें, पता नहीं इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, चीज़ों को संभाल के रखना, ज़िंदगी तो गुजरती रहती है लेकिन ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये हमेशा हमारे साथ रहती हैं यादें बनकर, और ऐसी चीज़ों को अगर अपने साथ रख लो तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। और फिर ये वाला जो कार्ड है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइंस डे पर दिया था, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, मतलब होने वाली थी उस दौरान, फरवरी में होता है ना, तो हाँ 2006 फरवरी में दिया था और मेरी जुलाई में शादी हुई है, जैसे 2006 में, तो ऐसा कलर का है ये, पिंक कलर का, और इस पर ये हार्ट बना है पिंक कलर का, और छोटे छोटे ऐसे मरून भी हैं हार्ट,
आर्चीज का है ये, और इसके साथ बहुत सारी चॉकलेट्स भी उन्होंने भेजी थी। और अंदर से फिर ये कुछ ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हैं इसमें, और यहाँ पर ये इतना कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो ये भी बहुत ही प्यारा है, इसके दो हार्ट बने हुए हैं, ये भी मुझे अच्छा लगता है, याद आ जाता है वो वाला टाइम। और बहुत झगड़ा करते थे हम उस वक्त, हम दोनों को आपस में, मतलब ऐसा होता था कि हर दूसरे तीसरे दिन, इतना बचपना था हमारे अंदर कि हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ पड़ते थे, कभी कोई बात कभी कोई बात, लेकिन फिर मान भी जाते थे। लेकिन अब देखती हूँ तो अब कितनी मैच्योरिटी आ गई है, अब हमारे में ऐसे झगड़े होते भी नहीं हैं और ना नाराज़ होते हैं हम लोग। अगर कभी किसी बात पर छोटा मोटा बहस हो भी जाती है तो नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं होती है, हम लोग एकदम से मतलब बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह बनाए इधर से उधर घूमते रहें, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और ये है एक और कार्ड, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने, जो हमारी शादी हो गई थी 6 जुलाई को हमारी शादी हुई है, ये 5 अगस्त को मेरा जो बर्थडे था शादी के बाद पहला, तो ये कार्ड दिया था। ऐसे है रेड कलर का, बहुत सुंदर है ये, इसको ऐसे ओपन करते हैं। यहाँ पर ऐसे ये हार्ट है, बिल्कुल ऐसे करके, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। हैव अ वंडरफुल बर्थडे, तो ऐसी सी चीज़ें हैं, दिल खुश कर देती है इन्हें देखो तो, याद आ जाता है अपना शादी वाला टाइम। और एक ये भी कार्ड मुझे तभी दिया था, मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर उस वक्त 2 कार्ड दिए थे, और एक ये सेकंड ऐसे कार्ड है, माय वाइफ माय लाइफ पार्टनर, ब्यूटीफुल वंडरफुल अमेजिंग डिलाइटफुल एंड चार्मिंग, और ये भी बहुत ही सुंदर है। तो ये मैंने संभाल के रखी हुई है अपने यादें, अच्छी लगती है ये, इनको खोल के बैठ जाओ और फिर याद करो उन दिनों को। तविशी को ये वाला कार्ड तो इतना प्यारा लगता था ना, इतना प्यारा लगता था, सारा दिन इसको लिए बैठी रहती थी। अब तो समझदार हो गई, जब छोटी थी जब भी मन करता था पापा वो वाला कार्ड दे दो जो जिसके अंदर हार्ट है मुझे देखना है, फिर लेकर इसको बैठकर और सारे दिन ये हार्ट देखती रहती थी। वो फिर मुझसे बोलती थी कि पापा कैसे है ना, गंदे है, आपको तो ये वाला कार्ड दिया, मुझे कभी नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से फिर उससे समझा बुझा के मैं उससे ले लेके रखती थी, मैंने कहा अगर ये फट गई चीजें तो फिर ये याद वापस नहीं लौट के आती ऐसी चीजें। आपके पास भी कोई ना कोई ऐसी यादें जरूर होंगी, आपके पास भी ऐसे गिफ्ट्स होंगे जिन्हें आप देखकर अपने शादी वाला टाइम याद करते होंगे। शेयर करना मेरे साथ भी कमेंट करके कि आपके पास भी है, होंगे कार्ड्स आपके हस्बैंड के दिए हुए, टेडी बेयर भी होंगे, एक हस्बैंड ने मेरे टेडी बेयर भी दिया था, वो भी आपको दिखाती हूँ। और एक ये टेडी बेयर भी था, ये आर्चीज से लिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा। इसके अंदर यहाँ पर पहले बैटरी होती थी जो आई लव यू ऐसे करके बोला करती थी, तो ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, बहुत ही क्यूट है ये, ऐसे के ऐसे करके ये लेटा रहता है। तो बस हैं ये ऐसी ऐसी चीजें जो खुश कर देती हैं मन को कभी कभी, अगर मन उदास हो जाए तो इन सब चीजों को देख लो और खुश हो जाओ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना शादी वाला लहंगा। तो ये है मेरा शादी का लहंगा, कुछ ऐसा है, उस वक्त ऐसे ही लहंगे चला करते थे, ऐसा नेट वाला है ये, और ये पूरा ऊपर इसमें ऐसे काम है, मैरून कलर का है ये, इसकी नेट है और अंदर सैटन लगी हुई है, सैटन वाला फैब्रिक, और फिर नीचे से बहुत इसके घेर पर भी ऐसे काम हो रखा है, पूरा यहाँ ऐसे जाल है, ये मैंने चांदनी चौक से लिया था उस वक्त, और यहाँ पर भी पूरे में ऐसे यहाँ पर काम है, और ये इसका वर्क है, बहुत ही सुंदर लगता था उस वक्त तो ये, अब तो खैर नहीं क्योंकि अब इस फैशन के चलते नहीं है तो ये थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन ये लहंगा सच में बहुत ही सुंदर था और बहुत लोगों को पसंद आया था उस वक्त के हिसाब से। ये सबसे प्यारा, मतलब जो लहंगे थे उनमें बहुत ही अच्छा लहंगा का ऑप्शन था। तो ऐसे ही ये इस पे पूरा लहंगा है और ये इस पे ऐसे काम है, आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी पूरा,
एक बार अच्छे से कि आप देख सकेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसा है। और ये है इसका दुपट्टा, ये भी नेट का था और उस पर ये गोल्डन कलर की ऐसे पूरे में लेस लगी हुई थी। उस वक्त ये डिजाइन चलते थे, उस वक्त जितने भी सीरियल्स आते थे सब में जो हीरोइनें होती थी सीरियल्स की, एक कपूर के सीरियल्स की, वो सब ऐसे ही लहंगे पहना करती थी। और ये ऐसा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये उस वक्त जब मैंने पहना हुआ था। और नेट का होता है तो पीछे से इसको ऐसे, ये जब होता है इसके बैक साइड से जब गजरा वगैरह दिखाई दे रहा होता है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये भी लहंगा के साथ जो था, ये सेम वैसा ही डिजाइन है इसमें भी, तो ये भी बहुत ही प्यारा है। तो ये लहंगा देखिए अब आप, ऐसा है कैमरे पे तो और भी प्यारा लग रहा है। इसका कलर वैसे मरून है, कैमरा पे थोड़ा सा रेड में भी आ रहा है। और नीचे इसका जो नेट वाला काम है ना, ये जाल सा जो बना हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है, कुछ ऐसा लग रहा था। बस अचानक से याद आ गया, वैसे मैं निकालती नहीं हूँ इसको, मैंने संभाल के इसको अच्छे से पैक करके रखा हुआ है, जो इसका कवर आता है उसी के अंदर। लेकिन आज मन किया कि चलो एक बार देखती हूँ कि मेरा लहंगा था कैसा, तो इसीलिए मैंने इसको निकाल लिया। इस बहाने से याद भी ताजा हो गई और आपके साथ भी अपनी मेमोरीज मैंने शेयर कर ली। और इसलिए ऐसी लटकन थी, अब तो लटकन की हालत खराब है, पहले तो बहुत ही अच्छी थी भरी भरी सी। और इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ, देखो दुपट्टा, ये तो किसी सूट के साथ भी चलाया जा सकता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा आइडिया है, अब इसको निकाल के रखूंगी और कहीं ना कहीं किसी अच्छे से हैवी सूट के साथ इसको चला लूंगी, प्यारा लगेगा ये। तो बस ये था एक छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, कैसी लगी मेरी यादें आपको ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और किस किस को ये सब देखकर अपनी शादी की याद आ गई और अपनी पुरानी जो यादें थी वो सब याद आया। और आपके पास भी ऐसी कोई ना कोई चीजें तो होंगी ही, ग्रीटिंग कार्ड्स, टेडी बेयर जो आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट किए होंगे शादी के तुरंत बाद या शादी से पहले, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं मेरी वीडियोज आपको अच्छी लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।